हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुरु टेहंगुरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्विन ब्रोस में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी क्लास 12 का यूनिट 3 का चैप्टर नंबर 5 और हमारे चैप्टर का नाम है प्राइमरी एक्टिविटी। अगर इस चैप्टर की हम बात करते हैं तो टोटल दो पार्ट में इसकी वीडियोज आएंगी। तो आज उसका हम पहला पार्ट कर रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी हम देखने वाले हैं इस वीडियो का। आपका एनसीईआरटी खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो सीधा चालू करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। तो यार, अगर कभी भी हम बात करते हैं कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटी की जहां से हम इनकम जनरेट कर पा रहे हैं, तो उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज बोलते हैं। ये सब आपने पहले ही पढ़ा होगा, लेकिन फिर से इसे क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो ये चैप्टर में ये सब चीजें हम देखने वाले हैं। यार, अगर हम बात करते हैं इन्हीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज की, मतलब कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमें इनकम जनरेट करके दे रही है, इसको टोटल हम चार पार्ट में बता सकते हैं, चार ग्रुप में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा आता है प्राइमरी एक्टिविटी, फिर सेकेंडरी एक्टिविटी, फिर टर्शियरी एक्टिविटीज और फिर क्वार्टरनरी एक्टिविटी। ये चार टाइप के ग्रुप ब्रॉडली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो आज हमारा टॉपिक है प्राइमरी एक्टिविटीज, क्योंकि यही हमारा चैप्टर है, पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम प्राइमरी एक्टिविटीज की बात करते हैं यार, तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं इन्वायरमेंट पर। मतलब इसमें हम पूरा देखते हैं यार कि इन्वायरमेंट में जितनी भी रिसोर्सेस हैं उनका हम यूज कैसे कर सकते हैं, उनका यूटिलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं। अगर अर्थ की रिसोर्सेज की बात करें तो सीधे हमारे सामने नाम आ जाते हैं, लैंड, वाटर, वेजिटेशन, बिल्डिंग मटेरियल्स एंड मिनरल्स, ये सब चीजें इसमें आ जाती हैं। ये सब हमारे कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट होते हैं। अब अगर हम बात करें यानी रिसोर्सेज का यूज करके हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं, इसके अगर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो वो आ जाता है हमारे सामने हंटिंग एंड गैदरिंग आ जाता है, पास्टोरल एक्टिविटीज आ जाता है, फिशिंग आ जाता है, फॉरेस्ट्री आ जाता है, एग्रीकल्चर आ जाता है, माइनिंग एंड क्वेरिंग आ जाता है। ये एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, बोर्ड में आपको क्वेश्चन आ सकता है कि भाई एग्जाम्पल लिखो। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कौन कौन सी रिसोर्सेस होती हैं और उन रिसोर्सेस की दम पर कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। तो छोटा सा यार हमारे एक इंट्रोडक्शन चैप्टर का आ जाता है। तो यहाँ पर अब एक बॉक्स आता है, इसको भी समझिएगा। तो पहला तो ये मेरा आपसे भी क्वेश्चन है, आप कॉमेंट में मुझे बताइएगा कि अगर हम बात करते हैं यार ऐसे लोगों की जो कोस्टल रीजन में रहते हैं, तो क्यों ये फिशिंग में इन्वॉल्व रहते हैं, और अगर हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो प्लेन रीजन में रहते हैं, तो ये एग्रीकल्चर में क्यों इन्वॉल्व रहते हैं, आप ये मुझे बताइएगा। और ये भी बताइए यार कि फिजिकल और सोशल फैक्टर से क्या अफेक्ट पड़ता है अलग अलग रीजन की प्राइमरी एक्टिविटीज पर, ये आपका क्वेश्चन आता है। इसका देख इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज दी हुई यार कि जो भी लोग प्राइमरी एक्टिविटी में इंगेज होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आउटडोर नेचर वाला इनका वर्क होता है। तो ये याद रखिएगा, इनको हम बोलते हैं रेड कॉलर वर्कर्स। इसके बाद यार जो हमारा पहला टॉपिक आता है वो है हंटिंग एंड गैदरिंग। आपको मीनिंग पता होगा, हंटिंग मतलब जानवरों को मारते थे अपने पूरे यूज के लिए, वो हम पूरा पढ़ेंगे। और गैदरिंग का सिंपल मीनिंग होता था कि नेचुरल रिसोर्सेज को गैदर करते थे अपनी लाइवलीहुड के लिए, फूड हो गया, बेरीज हो गया, कुछ मेडिसन हो गई, कुछ भी ऐसा रिसोर्सेज जो हमें काम आएगी उसको गैदर करना। तो हंटिंग एंड गैदरिंग के बारे में हम पूरा इसमें पढ़ेंगे। तो यार अगर हम बात करते हैं अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स की, मतलब जब से हम जान पा रहे हैं ह्यूमन बींग इस दुनिया में आए, जब से अगर पूरा देखते हैं, तो हम बहुत ज्यादा ना अपने इन्वायरमेंट पर डिपेंडेंट रहते थे। हमारी जो रोजमर्रा की जिंदगी चलती थी उसमें इन्वायरमेंट का सबसे बड़ा रोल होता था, वहीं से हमें सब चीजें मिलती थी। तो बेसिकली दो चीजें यहाँ पर होती थी जो बहुत इंपॉर्टेंट होती थी। सबसे पहला होता था भाई एनिमल्स, जिनको हम हंट करते थे, जैसे मैंने आपको बताया हंटिंग करी जाती थी। और दूसरा होता था ऐसे एडिबल प्लांट्स, जिनको हम गैदर करते थे फॉरेस्ट से, आस पास में जितना फॉरेस्ट एरिया रहता था उससे, प्लांट से जितनी भी ऐसी चीज जिसे हम कंज्यूम कर सकते हैं उनको हम गैदर करते थे, या जो चीज हमारे बहुत काम आ सकती है लाइवलीहुड में उसको हम पूरा गैदर करने का काम करते थे। तो हंटिंग और गैदरिंग हमारी एक लाइफ का, डे टू डे लाइफ का बहुत बड़ा एक पार्ट हुआ करता था, पहले इसी से हमारी पूरी लाइवलीहुड चलती। तो अगर हम प्रिमिटिव सोसाइटीज की बात करते हैं, प्रिमिटिव मतलब क्या होता है, एंशियंट, मतलब जो पुराने समय की जो ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है। अगर आज भी कोई ऐसी सोसाइटी है मार्केट में जो पुरानी समय की चीज को फॉलो कर रही है, जैसे वो हंटिंग कर रही है, वो गैदरिंग कर रही है, तो उसको हम प्रिमिटिव सोसाइटी बोलेंगे। तो जो हमारी एंशियंट सोसाइटी है वो पूरे वाइल्ड एनिमल्स पर डिपेंडेंट होती थी। तो जो लोग होते थे, अगर हम खासकर बात करते हैं ऐसे लोग जो बहुत ही कोल्ड क्लाइमेट में रहते थे या बहुत ही एक्सट्रीम हॉट क्लाइमेट में रहते थे, तो इन लोग बेसिकली हंटिंग पर ही सर्वाइव करते थे, हंटिंग इनका एक सबसे बड़ा ऑप्शन होता था। अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज की, यहाँ पर बेसिकली इन लोग पूरा इंगेज रहते थे फिशिंग वाली चीजों में, फिशिंग इनका एक मेन चीज होता था, पूरा फिशिंग करते थे, उसी से इनका खाना पीना चलता था। हालांकि अब समय के साथ फिशिंग एक बहुत आगे बढ़ चुका है, अब इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हमें इस एरिया में देखने को मिले। एक फिशिंग होता था कोस्टल साइड वाले लोगों का, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं बहुत सारी एनिमल स्पीसीज की, तो यार बहुत सारी तो ऐसी जो खत्म ही हो गई, एक्सटेंट हो गई हैं, और बहुत सारी ऐसी जो इंडेंजर्ड हो गई, मतलब वो खत्म होने की तादाद पर पूरी आ चुकी हैं। इसका रीजन यही यार इलीगल हंटिंग जो होती है, और इसी को हम पोचिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ये भी वन मार्क्स बना सकता है कि पोचिंग से आप क्या समझते हैं। तो बहुत ज्यादा इलीगल हंटिंग की वजह से एक ये चीज हमें देखने को मिल गई।
फिर अगर हम बात करते हैं यार हमारे अर्ली हंटर्स कौन से टूल यूज करते थे मेनली इन सब चीजों के लिए, तो वो स्टोन से बने हुए होते थे, एरोज और ट्विक्स। ट्विक्स मतलब वो लकड़ी के जो रहते हैं, बड़ी बड़ी लकड़ी की स्टिक रहती हैं, तो ट्विक्स यूज करते थे, एरोज यूज करते थे और इन्हीं से बहुत सारे एनिमलों को मारते थे। तो ये हमें पूरा देखने को मिलता था। लेकिन ये यार कोई बहुत बड़े ऐसे हमारे पास उस समय औजार नहीं थे, टूल्स नहीं थे, तो जो किलिंग होती थी ना बहुत लिमिटेड होती, मतलब ऐसा है कि बस डेली का काम चल जाता था, ऐसा नहीं है कि बहुत हाई लेवल पर हंटिंग हो रही। तो याद रखिएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है जो भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, वो ये है कि इंडिया में हंटिंग को बैन क्यों कर दिया गया, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लिखें। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं फिर से गैदरिंग और हंटिंग की, तो हमारी ओल्डेस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी में से एक आ जाती है जो हमको पता है, मतलब बहुत पहले से इसको किया जा रहा है एज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से कैरी आउट करी जाती है, जंग का हर जंग का तरीका अपना अलग अलग होता है, कुछ रीजन में कुछ अलग तरीके से करा जा रहा होगा, कुछ अलग रीजन से करा जा रहा होगा, ऐसा हमें हर जगह अलग अलग देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं गैदरिंग की, तो गैदरिंग सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करी जाती है ऐसे रीजन में जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन जहाँ हमें देखने को मिल जाती है, वहाँ मेनली गैदरिंग का काम किया जाता है। अगर हम बात करते हैं भाई ये कौन लोग करते हैं मेनली, तो जो प्रिमेटिव सोसाइटीज है वो इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होती, इनका यही होता है यार कि प्लांट्स और एनिमल्स से ऐसी चीज एक्सट्रैक्ट कर पाए जो फूड शेल्टर और क्लोथिंग में काम आ सके, ये पूरा इनका काम होता है ये देखने का। तो मेनली प्रिमेटिव सोसाइटीज में हमें बहुत ज्यादा एंगेज देखने को मिल जाती। अगर हम इस टाइप की एक्टिविटी की बात करते हैं यार, इसमें बहुत कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है और बहुत लो लेवल टेक्नोलॉजी पर ही ऑपरेट कर जाती है। इसके लिए कोई आपको एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए और कुछ ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए। लेकिन इसके बाद एक और चीज़ें आती है भाई, अगर इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है, टेक्नोलॉजी कम लग रही है, तो अगर हम पर पर्सन की यील्ड बात करते हैं, मतलब एक पर्सन कितना कंज्यूम कर पाता है, कितना प्रोड्यूस कर पाता है, वो अपने आप के लिए कितनी रिसोर्स ला पाता है, तो वो बहुत कम होता है, कोई ऐसा ज़्यादा नहीं होता है, मतलब लिटिल या फिर कोई भी सरप्लस प्रोड्यूस हमें मिलता ही नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका भी पूरा काम हो गया उसके बाद आपका फिर भी बच रहा है जिसको आप बेच सकते हो, किसी और को दे सकते हो, ऐसा बिल्कुल देखने को मिलता है, मतलब लिमिटेड ही ऐसे रिसोर्सेस आ पाती। ये हमें इसका एक थोड़ा सा लो वाला पॉइंट भी देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें भाई गैदरिंग कहाँ पर प्रैक्टिस करी जाती है, इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो राइट साइड में आपको मैप देखने को मिल रहे हैं, ये वाले चैप्टर में से बहुत सारे मैप्स आपको देखने को, और ये मैप इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये आएंगे, इनको याद करना बहुत ज़रूरी है। अब इस पर डरने की बात नहीं है, जहाँ आप एक दो बार अगर वीडियो देखेंगे, कभी रिविजन के समय देखेंगे, और जिस तरीके से मैंने आपको नोट्स बनाने बोला था उस तरीके से अगर आप नोट्स बनाने, तो अगर आप इसको लिख लेंगे तो आपको थोड़े बहुत रिवीजन के बाद ये याद हो जाएगा, जहां आपका एक से दो बार रिवीजन होगा आपको सब बनने लगेगा, इसमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है, ये आराम से हो जाएगा, है ना। तब बात कर लेते हैं, अगर हम बोले गैदरिंग कहां पर प्रैक्टिस करी जाती है, तो हम हाई लैटिट्यूड वाले जोन देखने को मिल जाते हैं और लो लैटिट्यूड वाले जोन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर हम हाई लैटिट्यूड जोन की बात करते हैं यार, तो इसमें आ जाता है जैसे हमारा नॉर्दर्न कनाडा हो गया, नॉर्दर्न यूरेशिया हो गया, और हमारा सदर्न चिली हो गया, ये हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर लो लैटिट्यूड जोन की बात करते हैं, अमेजॉन बेसिन हो गया, ट्रॉपिकल अफ्रीका हो गया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया, फ्रिंज मतलब एकदम जो बॉर्डर बोल सकते हैं आप, जो बॉर्डर होती है उसकी बात करी जा रही, तो नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाता है, और फिर साउथ ईस्ट एशिया के बहुत सारे इंटीरियर पार्ट्स हमें देखने जाते हैं, यहाँ पर बेसिकली गैदरिंग जो है वो प्रैक्टिस करी जाती है। अगर हम मॉडर्न टाइम से बात करें जाते हैं यार, तो जो गैदरिंग है ना अभी बहुत ज़्यादा मार्केट ओरिएंटेड हो गई है और कमर्शियल हो गई, मतलब इससे अब अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, अब इसको कमर्शियल वे में भी देखा जाने लगा है। पहले गैदरिंग सिर्फ अपने लिए करी जाती थी, लेकिन आजकल मार्केट वे में भी करी जाती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गैदरर से सामान खरीदते हैं इंपॉर्टेंट। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बहुत सारे प्लांट्स की जैसे वैल्यूएबल प्लांट्स होते हैं, उनकी लीव्स हो गई, ट्रीज के बाक्स हो गए, फिर मेडिकल प्लांट्स हो गए, ये सबको थोड़ा सा प्रोसेस करने के बाद आप मार्केट में सेल कर सकते हो, इनको प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में सेल कर दिया जाता है, जिससे कमाई होती है, हमें देखने को मिलता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लांट्स के पार्ट्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर हम बार्क की यूज कर बात करते हैं, मतलब छाई की बात करते हैं एक पेड़ की, क्यूनिन के काम आ जाती है, फिर वो टेनिन एक्सट्रैक्ट बनाने के काम आ जाती है, लेदर में काम आता है बनाने के लिए, उसके कॉर्क के काम में आ जाती है, कॉर्क बनाने के यूज में आ जाती है, तो हमें इसके बहुत सारे बार्क के यूज देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद अगर हम लीव्स की बात करते हैं, तो बेवरेजेस में काम आ जाती है, ड्रग्स में, कॉस्मेटिक में, फाइबर्स में, थैच एंड फैब्रिक्स में, यहाँ पर हमें इनका काम देखने को मिल जाता है। नट्स की बात करते हैं, तो ये फूड और ऑयल्स में हमें देखने को मिल जाता है। और अगर ट्री की ट्रंक की बात करते हैं, तो इसमें रबर, बलाटा, गम्स, रेजिन्स, ये सब बनाने में काम आ जाता है। तो आप एग्जांपल थोड़े बहुत याद रख सकते हैं किन चीज़ों में ये आपको काम आता है। कभी भी अगर आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कोई आता है, तो उसमें अगर आप एग्जांपल लिखते हैं तो उससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो ये आपको थोड़े से याद करने पड़ेंगे, इनको याद करेंगे तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ जाता है, और मन से भी लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो यहाँ दिए हुए हैं वही आप लिखो, थोड़ा मन से भी लिख सकते हो ना, ये पूरा इसमें आता है। इसके बाद अगर हम गैदरिंग की बात करते हैं यार,
तो गैदरिंग की बहुत कमी चांसेस है कि ग्लोबल लेवल पर ये इंपॉर्टेंट बन पाए। अब इसके भी रीजन आ जाते हैं, इससे पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है कि अगर हम इन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जो इस एक्टिविटीज हमें मिलते हैं, ये वर्ल्ड मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसका सिंपल रीजन यार कॉम्पीट ना करने का, सिंथेटिक प्रोडक्ट जो आ गए। अब सिंथेटिक प्रोडक्ट ने इनको बिल्कुल रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और प्राइस भी कम होती है। तो गैदरर्स जितने भी, जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के गैदरर्स की बात कर लेते, तो जो भी आइटम ये सप्लाई करते थे, अब उन सबके रिप्लेसमेंट आ चुके हैं, पूरे सिंथेटिक प्रोडक्ट आ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी वैल्यू गिर जाती है। तो ग्लोबल लेवल पर कॉम्पीट करना तो इनके लिए मुश्किल हो जाता है। इसके बाद यार हमारा अगला टॉपिक आता है पेस्टोरलिज्म। इसका मीनिंग क्या होता है यार, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, और जिन एनिमल को हम डोमेस्टिकेट करते हैं उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं, फिर उनको आगे रेस करना, उनको ग्रेजिंग करवाना, फिर जिसमें उन लोग आगे बढ़ें और उनसे फिर हम अपनी पूरी रिसोर्सेस ले सकें। पूरा उसमें हम ये देखने वाले कि किस टाइप का होता था, कैसे कैसे अलग अलग तरीके से लोग ये एनिमल को रेस करते हैं। तो बुक में दिया हुआ है यार कि हिस्ट्री के किसी ना किसी स्टेज में लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि हंटिंग जो है बहुत एक अनसस्टेनेबल एक्टिविटी, इसको आप आगे तक ऐसा मेंटेन नहीं कर सकते इस लेवल में, आपको आगे कोई ना कोई और चीज़ करने की नीड जरूर आएगी। तो इनने सोचा होगा कि क्यों ना हम जो एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करें, मतलब उनको पालें। तो ये पूरी बात चल रही थी। अगर बात करते हैं कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाए, तो जो पीपल हैं जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन में रहते हैं, वो अपने हिसाब से एनिमल को सिलेक्ट करते हैं और फिर उनको डोमेस्टिकेट करते हैं। ये अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके से देखने मिलता है, वहाँ कौन से एनिमल अवेलेबल हैं, कौन से उस क्लाइमेट में रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे, सब देखा जाता है। तो बहुत ज़्यादा ज्योग्राफिकल फैक्टर पर ही डिपेंड करता है, उसके बाद टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी करता है, कहाँ पर कितना टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हमें देखने को मिल जाता है। अगर आज की बात करें एनिमल रियरिंग जो है, ये दो टाइप में प्रैक्टिस किया जाता है। एक तो या तो होता है सब्सिस्टेंस, मतलब कुल मिला के अपना लाइवलीहुड चलाने के लिए कि भाई अपना हो पाए, या एक होता है कमर्शियल लेवल, मतलब जिससे आप थोड़ी सी कमाई भी आगे जाकर कर पाओ, उसको एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की तरह भी आप देख पाओ। तो दोनों तरीके से किया जाता है, कोई भी सब अपना तरीके से कर लेते हैं। इसमें जो हमारा पहला सब टॉपिक आता है वो है नोमैडिक हर्डिंग। ये नोमैड्स वर्ड आपने पहले भी छोटी छोटी क्लास में सुना होगा। इसका सिंपल मीनिंग होता है वो लोग जिनका कोई एक पर्टिकुलर हैबिटेशन नहीं होता है, वो अलग अलग जगह मूव करते रहते हैं। तो नोमैडिक हर्डिंग को हम पेस्टोरल नोमैडिज्म भी बोलते हैं। ये एक प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एक्टिविटी है। प्रिमिटिव मतलब जैसे हमने बोला एक एंशियंट तरीके की हम बात करते हैं, सब्सिस्टेंस से मतलब सिंपल अगर भाषा में बोले तो ये समझ सकते हैं कि अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने लाइवलीहुड को चलाने के लिए एक एक्टिविटी, मतलब पुराने समय से हो रही है एक ऐसी एक्टिविटी है जिससे हमारा लाइवलीहुड चला सकते हैं। इसमें जो भी हर्डर्स होते हैं, मतलब जो एनिमल को हर्ड करते हैं, उनको रेस करते हैं, ये पूरी तरीके से एनिमल पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो फूड हो, क्लोथिंग हो, शेल्टर हो, टूल्स हो या ट्रांसपोर्ट, हर चीज़ के लिए एनिमल पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस जाते रहते हैं अपने लाइव स्टॉक के साथ। अभी लाइव स्टॉक मतलब क्या होता है, वही एनिमल जिनको लोग डोमेस्टिकेट कर रहे हैं उनको हम लाइव स्टॉक बोलते हैं। अब ये जो मूव करते हैं बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, भाई एक अमाउंट में कितना वाटर अवेलेबल है, उसके साथ पेस्चर मतलब क्या होता है, एक ऐसा लैंड जहाँ पर एनिमल ग्रेस कर सके, मतलब वहाँ चर सके उस एरिया को, उसको हम पेस्चर्स बोलते हैं। तो इन चीज़ों पर डिपेंड रहता है कि वो किस जगह से किस जगह पर जाएंगे। तो ये इनका रहता है, इन लोग मूव करते रहते हैं। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये आती है कि जो नोमैडिक कम्युनिटी होती है, इन सबका वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी होता है कि भाई आपकी इतनी टेरिटरी, उनको बिल्कुल वेल आइडेंटिफाइड अपनी अपनी टेरिटरी दी जाती है, सबको फिक्स टेरिटरी का एक जगह दी जाती है। ये इनका एक ट्रेडिशन का पार्ट बोल सकते हैं ना, तो ये हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं, तो बहुत वैरायटी के एनिमल अलग अलग रीजनों पर रखे जाते हैं, वहाँ पर उनका पूरा उनको रेस किया जाता है, ये हमें एक चीज़ देखने को मिलती है। अब इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, अगर हम ट्रॉपिकल अफ्रीका की बात करते हैं तो यहाँ पर कैटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइव स्टॉक हो जाते हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम सहारा की बात करते हैं, एशियाटिक डेजर्ट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर शीप, गोट्स, कैमल ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर माउंटेनियस एरिया जैसे अगर हम तिब्बत और एंडीज की बात करते हैं, तो यहाँ पर याक हो गया, फिर लमाज हो गया, इनको बहुत ज़्यादा एक वैल्यू दी जाती है, यहाँ पर ये एज अ लाइव स्टॉक रहते हैं। फिर इसके बाद आर्कटिक और सब आर्कटिक अगर एरियाज की बात करते हैं, तो रेनडियर यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट एनिमल है। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग एनिमल की इंपॉर्टेंस होती है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसको याद रखिए। फिर इसके बाद अगर हम यही पेस्टोरल नोमैडिज्म की बात करते हैं यार, तो बेसिकली थ्री इंपॉर्टेंट रीजन से एकदम एसोसिएट करता है, ये तीन रीजन हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला जो हम कोर रीजन की अगर बात करते हैं यार, तो जो हमारा नॉर्थ अफ्रीका ईस्टवर्ड साइड में है, उसका जो अटलांटिक शोर है, वहाँ से लेकर ये अरेबियन पेनिनसुला तक जाता है, फिर वहाँ से ये मंगोलिया और सेंट्रल चाइना तक जाता है। तो ये जितना पूरा एरिया है, एक तो कोर रीजन हमें ये देखने को मिल जाता है। उसके बाद दूसरा रीजन आता है यार, जो तुंद्रा रीजन तक जाता है यूरोशिया में, वहाँ तक एक्सटेंड होता है ये यूरोशिया तक। फिर उसके बाद हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में जो स्मॉल स्मॉल एरिया हमें देखने को मिल जाते हैं साउथ वेस्ट अफ्रीका में,
और जो हमारा मेडागास्कर का आइलैंड है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। आपको फिगर 5.4 मतलब इस मैप में पूरा देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर पूरे एरिया वो मार्क करे गए हैं, ये तीन एरिया आपको जो जुड़े हुए दिख रहे होंगे अलग अलग, ये तीन हमें ऐसे रीजन देखने को मिल जाते हैं, इनको आप जरूर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद यार अगर हम ये देखें कि इन लोग पेस्चर्स की तलाश कैसे करते हैं, पेस्चर मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया फिर से बता रहा हूँ, ऐसे बड़े बड़े लैंड जहाँ पर एनिमल ग्रेजिंग कर सकते हैं, ग्रेज कर सकते हैं, मतलब वहाँ पर उन लोग चरकर अपना पेट भर सकते हैं, इनको हम ऐसे पेस्चर्स लैंड बोलते हैं, बड़े बड़े होते हैं। तो अगर हम बात करें कैसे इन लोग ढूंढते हैं यार, इसमें दो बेसिकली हमको तरीके देखने को मिल जाते हैं। एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल वे, इसमें इन लोग क्या करते हैं अलग अलग एरिया कैप्चर करते जाते हैं और वहाँ पर अपना पूरा काम करते हैं। और एक होता है हमारा वर्टिकल वे, इसमें इन लोग क्या करते हैं माउंटेनियस रीजन में ऊपर ऊपर का माउंटेन कवर करते जाते हैं, एक एलिवेशन से दूसरे में जाते हैं, आज इधर हैं कल इधर होंगे फिर उधर होंगे, ऐसे इन लोग करते हैं, ये पूरा देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है जो इन लोग का ये माइग्रेशन चलता है, इन लोग क्या करते हैं प्लेन एरिया से माउंटेन वाले एरिया में जाते हैं समर में। इसके बाद अगर हम बात करते हैं माउंटेन एरिया से प्लेन एरिया में इनका माइग्रेशन होता है, हमको विंटर में देखने होता है, याद रखिएगा। जब हमें अगर समर की बात करते हैं तो समर में इन लोग प्लेन एरिया से माउंटेन में जाते हैं, और विंटर की बात करते हैं तो माउंटेन एरिया से नीचे आ जाते हैं प्लेन में। इस चीज़ को हम बोलते हैं ट्रांसह्यूमेंस, याद रखिएगा बेटा, यहाँ आपको आएगा एग्जाम में अगर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है, इसको ट्रांसह्यूमेंस हम बोलते हैं। फिर इसके बाद अगर हम और माउंटेन के रीजन की बात करते हैं, जैसे हिमालय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो कुछ कम्युनिटी हमको देखने को मिलती हैं कि गुज्जर्स हो गए, बाकरवाल्स हो गए, गद्दीस हो गए, भोतियाज हो गए, तो ये भी माइग्रेट करते हैं, ये भी ऐसे ही फॉलो करते हैं। इन लोग समर में प्लेन से माउंटेन्स में जाते हैं, और अगर हम विंटर की बात करते हैं तो वापस प्लेन्स में आते हैं, यह हमें देखने को मिलता है। इसका सिमिलरली अगर हम तुंद्रा रीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जितने नोमेडिक हर्डर हैं अभी ये क्या करते हैं, ये समर में साउथ से मूव करके नॉर्थ की तरफ जाते हैं, और अगर विंटर की बात करते हैं तो नॉर्थ से मूव करके साउथ की तरफ जाते हैं। बहुत सारे रीजन होते हैं क्लाइमेटिक रीजन की वजह से मेनली लोग ऐसा माइग्रेशन करते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं यार पेस्टोरल नोमेड्स की, तो ये डिक्रीज होते जा रहे हैं नंबर में समय के साथ, और जहाँ जहाँ ये ऑपरेट करते थे वो एरिया भी श्रिंक होता जा रहा है। इसके दो बड़े बड़े रीजन आ जाते हैं, सबसे पहला ये है अब पॉलिटिकल बाउंड्रीज आ गई हैं, और दूसरा आ गया है हर कंट्री अपने हिसाब से नए नए सेटलमेंट प्लान करता रहता है, अपनी अपनी नई नई बस्तियां बनाता रहता है। तो रीजन आ जाते हैं कि क्यों इनमें हमें एक डिक्रीज देखने को मिल गया, वो फ्रीडम अब नहीं बच पाती जो पहले रहती थी मूव करने की, ये एक रीजन देखने को मिल जाता है। इसके बाद अब हमारा अगला टॉपिक आता है कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग। अब कमर्शियल हम बात करेंगे, क्या देखो नोमैडिक हर्डिंग की हमने बात करी, अब इसके जस्ट अपोजिट एक हमें कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और एकदम कैपिटल इंटेंसिव होता है, मतलब पूरे यहाँ पैसे कमाने की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करी जा रही है। अगर हम बात करते हैं कमर्शियल लाइव स्टॉक रेंचिंग की, अब रेंचिंग मतलब क्या होता है एनिमल को रेज करना, तो जो लाइव स्टॉक रेंचिंग करी जाती है इसको बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है वेस्टर्न कल्चर से, और ये ना परमानेंट रेंचेस में करी जाती है, मतलब परमानेंट ऐसे एरिया बनाए जाते हैं जहाँ पर पूरी चीज़ें करी जाएंगी, वहाँ पर ग्रेजिंग करवाया जाएगा, एनिमल को रेज करवाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि अलग अलग रीजन को माइग्रेट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया ले लेते हैं और उसी में किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं ये रेंचेस कैसे होते हैं, तो बहुत बड़े बड़े ये एरियाज होते हैं जिनको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ पार्सल्स, कुछ पीसेस में इनको डिवाइड कर दिया जाता है और इनमें फेंसिंग कर दी जाती है। इसके बाद क्या जाता है यहाँ पर ग्रेजिंग को रेगुलेट किया जाता है, जब एक एरिया में ग्रेजिंग हो जाती है वहाँ का कंप्लीट हो जाता है तो दूसरे एरिया में एनिमल्स को भेज दिया जाता है, फिर तीसरे में चौथे में ऐसे करके उनको शिफ्ट करा जाता है उसी एरिया में, मतलब बड़ा लैंड है उसको डिवाइड कर दिया है और अलग अलग लैंड के पीसेस का अलग अलग समय यूज़ किया जा रहा है, ये देखने को मिलता है। उसके बाद कितने एनिमल्स को इन लोग रखते हैं पेस्चर में, तो वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है जो पेस्चर है उसकी कैपेसिटी कितनी, वहाँ पर कितने एनिमल ग्रेज कर पाएंगे, कितने रह पाएंगे, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। आपको राइट साइड में फोटो भी देखने को मिल जाएगी। तो यार अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, तो इसकी एक स्पेशलाइजेशन सबसे ज़्यादा ये है कि इसमें एक ही टाइप के एनिमल को रेयर करा जाता है, ऐसा नहीं है कि बहुत अलग अलग किया जा रहा है, यहाँ बहुत स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी में से एक ही है, तो यहाँ पर एक ही टाइप के एनिमल को रेयर करा जाएगा, यह हमें देखने को मिलता है। अगर हम इंपॉर्टेंट एनिमल्स की बात करते हैं तो शीप, कैटल, गोट्स, हॉर्सेस हमारे सामने एग्जाम्पल आ जाते हैं, यहाँ हमें कुछ प्रोडक्ट्स इनके मिल पाते हैं, यहाँ मीट हो गया, वूल हो गया, हाइड्स एंड स्किन हो गया, एनिमल स्किन की बात कर रहे हैं, इन सबको प्रोसेस किया जाता है, पैक किया जाता है साइंटिफिकली, और फिर अलग अलग दुनिया के पार्ट्स में अलग अलग मार्केट में इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। अगर हम बात करते भाई एनिमल जो रेयरिंग होती है, रेंचिंग करी जाती है, इसको बहुत ही ना साइंटिफिक बेसिस में ऑर्गेनाइज किया जाता है, एकदम साइंटिफिक वे में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती हैं, जैसे ब्रीडिंग कैसे करवाना है, जेनेटिक इंप्रूवमेंट कैसे कराई जाए कि समय के साथ और अच्छे एनिमल की हमें जीन्स डेवलप हों ताकि और अच्छे की ब्रीड हमें देखने को मिल जाए, उसके बाद डिसीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हेल्थ केयर जितना एनिमल का होता है, इन सब की बात करी जाती है, तो बहुत ही एक साइंटिफिकली वे में चीज़ें की जाती।
अगर हम बात करें आप कौन सी सी इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ये हमें देखने को मिल जाता है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, यूरोग्वे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरिया आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट कंट्री आ जाती हैं जहाँ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाती है, आपको इस फिगर में देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ यार हमारा पार्ट नंबर 1 खत्म होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपको एंड स्क्रीन में पार्ट नंबर 2 मिल जाएगा। बाकी मैं तो मिलता रहूँगा एनुअल वीडियोज में, तब तक प्लीज साइनिंग ऑफ, डोंट एंग्री, बाय बाय।